नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया लाइव और मैं हूं मनोज। नरही में पुलिस के सीनियर अधिकारियों की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद अब पूरी बलिया पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में बांसडीह पुलिस ने मनियर थाना क्षेत्र में अवैध शराब की भट्टियों पर बड़ी कार्रवाई की है और करीब करीब 50,000 लीटर कच्ची शराब को बहा दिया गया है। इस मामले पर देखिए हमारे संवाददाता रविशंकर पांडे की ये रिपोर्ट। बलिया के मनियर थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद कच्ची शराब पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। सीओ बांसडीह प्रभात कुमार के नेतृत्व में मनियर क्षेत्र के ककरघट्टा आदि जगहों पर भारी मात्रा में कच्ची शराब की भट्टियों पर छापेमारी की गई और भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने का सामान, लहन वगैरह नष्ट कर दिया गया। बता दें कि 28 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो युवक कच्ची शराब की भट्टी से बोल रहे थे कि सैकड़ों भट्टियां चलती हैं और मनियर थाना इंचार्ज को पैसा दिया जाता है। इसी के बाद पुलिस ने एक्शन की तैयारी की। सोमवार की देर शाम को उसी इलाके में 50,000 लीटर अवैध कच्ची शराब यानी लहन को वहीं पर नष्ट कर दिया गया। इसको बनाने के उपकरणों को भी नष्ट कर दिया गया। बता दें कि वायरल वीडियो में युवकों ने बताया था कि इस क्षेत्र में करीब 300 से 500 के बीच कच्ची शराब की अवैध भट्टियां चलती हैं। एक भट्टी से मनियर के थानाध्यक्ष को 5,000 रुपए का रिश्वत दिया जाता है, ऐसा इस वीडियो में दावा किया गया था। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद सीओ ने मनियर के दियारा क्षेत्र में शाम से देर रात तक छापेमारी की और अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया। मनियर से रविशंकर पांडे की रिपोर्ट। बांसडीह में मनियर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ककरघट्टा घाट के समीप अवैध शराब बनने की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स लेके दबिश दी गई। मौके पर 50,000 लीटर से ज्यादा लहन जिससे कच्ची शराब बनती है उसको नष्ट किया गया। 12 भट्टियों को मौके पर पूरी तरह से तोड़ा गया जिससे शराब कच्ची शराब बनती है उनके उपकरणों को जब्त किया गया। थाना मनियर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य और तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद। डालो लास्ट से माटी डालो 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 उधर से आराम से सारी क्लास डालो।